भरत वर्ष के लिए जो है एक विशेष दिन है, क्योंकि हम सभी को पता है कि आज के दिन 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश में हमारे देश का संविधान लागू हुआ। एक सामान्य अर्थों में अगर हम समझें कि संविधान क्या है, तो निश्चित रूप से हम ये भी समझना चाहेंगे कि हर घर के अंदर, हर गांव के अंदर और हर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो भी संस्था उसका निर्माण होता है उसका एक निश्चित संविधान होता है। तो उस संस्था के अंदर, उस संस्था की अपनी कानून व्यवस्था को लागू करना, ताकि वो संस्था उस व्यवस्था के अनुरूप लोकतांत्रिक तरीके से चल पाए, वो एक संविधान और वही देश के लिए भी लागू करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि तात्कालिक जो समय था, जिस समय के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनके तत्वाधान में, उनकी देखरेख में, उनके संरक्षण में संविधान सभा का गठन हुआ। आज की बात नहीं है, तुरंत आजादी के बाद की बात कर रहा हूं। जैसे कि हम जानते हैं, सारे बच्चे समझते हैं, सारे हमारे गार्जियन समझते हैं कि हम लगभग 250 सालों तक जो है गुलाम रहे। अगर आप लोग गुलाम शब्द को अंतर्मन में अगर उतारे तो ये बड़ा विषाक्त अपने आप में शब्द है। और इस गुलामी के दौर से हम लोग आज स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र मानव के रूप में हम सामने हैं। संविधान सभा के गठन के बाद उस समय तात्कालिक भारत के जो हमारे कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी अध्यक्षता में संविधान सभा के ही अंतर्गत एक प्रारूप समिति का निर्माण किया गया और प्रारूप समिति के अंदर लगभग जो है 284-285 लोग थे, जिसमें 15 महिलाएं थी। आप समझ सकते हैं, हमारी जो बहनें, महिला बहनें बैठी हुई हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि संविधान निर्माण के समय से ही आप लोगों का इस देश के विकास में, इस देश के निर्माण में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को संवैधानिक ढांचे में ला करके देश के ऊपर जो है लागू करने में कितना बड़ा योगदान था, आप इस बात को भली बात समझ पाते हैं, समझ सकते हैं। ये जो संविधान हमारे देश का बना, इसमें लगभग 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा। और आपको एक चीज और बताऊं, क्योंकि उस समय जो है हमारे देश में इस प्रकार की सुविधाएं नहीं थी कि हम उसे मुद्रित कर सके, उसे छाप सके, प्रिंट कर सके, तो यह हस्तलिखित संविधान जो है हमारा बनाया गया, जो है प्रेम नारायण बिहारी रायजादा के नाम से उन्होंने जो है इस संविधान को अपने हाथ से लिखा हुआ। कितनी बड़ी उपलब्धि, और उसके लिए उन्होंने जो है एक भी रुपया मेहनताना नहीं लिया। कितने समर्पित भाव से देश का संविधान लिखने वाले लोगों ने संविधान बनाया है, आप समझ सकते हैं। तमाम संशोधन किए गए, उसके बाद बहुत सारे संशोधन हुए और आज हमारे यहाँ पर जो है वर्तमान जो ढांचा है वो सारे देश के ऊपर जो है लागू है और उसी के अधीन हम लोग आज कार्य कर रहे हैं। आज हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो वो भी उसी का ही प्रतिफल है। तो इस अवसर पर हम और भी उम्मीद चाह रहे थे कि और भी हमारे बीच जो है हमारे गार्जियन पहुंचे। आशा ये है कि संभवतः सभी लोग आगे होंगे, हमारे जितने विद्यार्थी हैं सभी लोग गार्जियन हमारे पहुंच चुके हैं, क्योंकि हर बच्चे की प्रस्तुति होनी है। और आप समझ सकते हैं कि सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होता है, क्योंकि इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम का ज्यादा हर कोई पसंद करता है, और बल्कि हमारा हमेशा जो पक्ष है वो हमेशा आपके आशीर्वाद से प्रशस्त हो, मजबूत हो, और हम उसी रास्ते पर निरंतर आपके ही दिशा निर्देश के अनुरूप जो है कार्य करते रहे। हमारे जो नौनिहाल इस विद्यालय में विद्यालय से कक्षा 8 उत्तीर्ण करते हैं, उनका
भविष्य, उनका जीवन जो है हमेशा उज्जवल हो, सुखमय हो। इन्हीं आशाओं के साथ माँ सरस्वती का दीप ज्वलन कार्यक्रम यहाँ पर जो है चल रहा है। तो मैं वहां पर जो है दर्शन भाई थे, दर्शन भाई कहाँ गए? दर्शन भाई क्यों खड़े हैं वहां पर? माँ सरस्वती की वंदना, नमः भगवती माँ सरस्वती। Thank you.